मैं हूँ संदस खान और चैरिटी वर्क अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 4 साल से कर रही हूँ अपनी मदद आपके तहत और इस दसर खाने संदस को ये 2रा साल है क्योंकि मैं कराची की एक शहरी हूँ और कराची की और बीन पाकिस्तानी शहरी हर शहरी ने जो है वो कराची की सड़कों पर जो है इफ्तार का लुत्फ जरूर उठाया है, ठीक है ना। तो जो लोग मेरा दसर खान लगाने का मकसद ये था कि जो लोग जो रागेर जो मुसाफिर किसी वजह से अपने घर को इफ्तार के लिए नहीं पहुंच पा रहे होते हैं तो वो मेरे दसर खान पर आकर जो है हमारे दसर खान पर आकर इफ्तार कर सकते हैं और ये हमारे मेहमान बन सकते हैं ताकि उन्हें एक वो वाला फील आए कि वो एक घर में जो है वो इफ्तार कर रहे हैं। अच्छा मैं आपको बताती चलूँ, रिस्पॉन्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है और देखें बेसिकली ये जो दसर खान है ये रोजेदारान के लिए और रोजेदार अल्लाह का मेहमान है। पिछले कुछ अरसे में दसर खान जो है उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया लेकिन क्रिटिसाइज करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ जो 12 महीने आप दसर खान देख रहे हैं वो यकीनन नहीं होने चाहिए लेकिन जो रमजान है ना, देखिए रमजान का दसर खान सजाने का मकसद ये होता है कि आप इफ्तार करवा रहे हैं और आप अल्लाह ताला का जो मेहमान है जो रोजेदार है उसको आप प्रोटोकॉल दे रहे हैं, उसको आप इफ्तार करवा कर उसको उससे आप नेकियां लूट रहे हैं और यही मेहमान नवाजी जो है वो पाकिस्तान के कराची के लोगों की जो है वो सबसे बड़ी जो है ना वो खूबी है। आप कहीं भी चले जाए पाकिस्तानी लोग जो है वो आपको हमेशा मेहमान नवाज मिलेंगे और कराची के लोग तो आपको उसमें सुपर डुपर मिलेंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि ये वो वाली चीज है कि जब हम कभी बाहर किसी को खाना दे रहे होते हैं खाना बांट रहे होते हैं तो क्यों ना हम लोगों के लिए एक दसर खान सजाएं जिसमें लोग आए और स्पेशली फैमिलीज आए क्योंकि जो लोग मर्द हजरात जो दसर खान लगा रहे हैं उसमें ज्यादातर आप देखेंगे तो उसमें मर्द हजरात ही होते हैं लेकिन मेरे दसर खान पर हमारे दसर खान पर अगर आप देखें तो आपको बहुत सारी फैमिलीज ही दिखेंगी और लास्ट ईयर जो है वो लोगों का रश बड़ा कम होता था लेकिन इस दफा जो है आप देख सकते हैं मेरे पीछे अल्हम्दुलिल्लाह रश जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, फैमिलीज आती हैं खाना खाती हैं और इसमें जो है लोग हमें बहुत ज्यादा जो है सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत मोहब्बतें देकर जा रहे हैं। फिलहाल तो मैं अपनी मदद आपके तहत मैंने स्टार्ट किया था लेकिन ओवरसीज कुछ लोग थे। एक ऐसा वाकया हुआ कि मुझे मैं अपने प्रोग्राम से अपनी शूट से वापस आई तो मुझे किसी ने कहा कि एक बच्ची की शादी के लिए आप कुछ कर सकती हैं। मुझे लगा कि मैं एक अपील करके देखती हूँ, मैंने फेसबुक पर एक अपील की और लोगों ने उस पर मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो मुझे लगा कि जब आपकी बात में इतनी तासीर है आपके कहने में इतनी तासीर है तो क्यों ना लोगों के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो है वो ओवरसीज है कराची वाले हैं और मैं आपको मजे की बात बताऊं इस दस्तर खान पर कोई भी अपना खाना लेकर आ सकता है और आकर लोगों को खिला सकता है यानी कि ऐसा नहीं है कि वो हमें खिलाएंगे। अगर कोई चाहता है वो हमें फंड प्रोवाइड करना चाहता है तो वो हमें फंड दे सकते हैं और जो लोग चाहते हैं कि वो अपनी देख, आज हमारे पास 3 जगह थी लेकिन हमारे डोनर ने कहा कि मैं अपनी देख खुद लेकर आना चाहता हूँ और आप प्लीज जो है वो मेरा जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो प्लीज इसमें आप कंसिडर करें। तो यकीनी तौर पर आज आप देख सकते हैं हमारे पास 4 जगह हैं, लोग इसी तरह आते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं आप हमारी तरफ से खजूर लें। देखिये ये जो एक जो मखसूस किस्म का एक बन चुका है कि सिर्फ मर्द ही आजाद इफ्तारी करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है। फैमिलीज के लिए लेडीज कराची की पाकिस्तान की बहुत हिम्मत खातून है और वो किसी से कम नहीं है मेहमान नवाज। जब आप नेकी की गर्ज से जो है ना कोई चीज करते हैं तो अल्लाह पाक आपके काम में आसानियां पैदा करते हैं और कराची की आवाम जो है ना वो पिछले अरसे में पाकिस्तान की आवाम बेचारी इतनी घुट चुकी है कि उन्हें जहाँ भी कोई अच्छाई जहाँ भी कोई पॉजिटिविटी दिखती है लोग खिंचकर आते हैं। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है प्लस मेरे जो ये वॉलंटियर्स हैं ये बिल्कुल रजाकाराना तौर पर मेरे साथ जुड़े हैं जो यहाँ पर अरीब करीब में काम करते हैं वो मेरे साथ आते हैं और 10-12 लोगों ने मिलकर हम लोगों ने पहले मेरी फैमिली मेरी सारी फैमिली के लोग जो है वो हम लोग करते थे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ये सारी चीजें लोग मिलकर हमारे साथ खुद कर रहे होते हैं, लोग खुद चटाइयां उठा रहे होते हैं और लोग खुद हमें थाल देकर जा रहे होते हैं। और इसके साथ साथ मैं ये बताती चलूं कि हम लोग डेली बेसिस पर जो है वो 20-25 फैमिलीज को जो है वो राशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। वो फैमिलीज हैं जो सफेद पोश फैमिलीज हैं जो हमें फेसबुक के थ्रू जो है कॉन्टेक्ट कर रही होती है और फिर हम उन्हें वेरीफाई करके हम उन्हें घर पर उनके राशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। हम मंथली बेसिस पर जो है वो रोजगार सेटअप भी लोगों को करवा कर दे रहे हैं। अच्छा वो रोजगार सेटअप हम वो भी जो है हम डोनर्स के ही तावन से करके दे रहे हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि हम 45,000 to 50,000 के अमाउंट से लोगों को किसी भी किस्म का कोई फ्रेंच फ्राइज कार्ड हो या पानी की बोतलें हो या कोई ट्यूजडे संडे थर्सडे मार्केट पे कपड़ों का लगाया जाने वाला स्टॉल हो
जो कि इतनी छोटी, जो एक बहुत, मैं समझती हूँ कि आज के महंगाई के दौर में ये एक छोटी अमाउंट है, लेकिन जो भी सफेदपोश फैमिली है वो चाहती है अगर बाइज्जत रोजगार कमाने के लिए, तो वो लोग इस अपनी हमारी इस ऑफर को जरूर अवेल करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम तकरीबन 11 फैमिली को जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह रोजगार करवा चुके हैं, तो डोनर्स जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ ताबुन कर रहे हैं और इस तरह हम रोजगार जो है वो लोगों को वो भी करवाते जा रहे हैं। सरकारी हुक्काम बाला जो है, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज, कुछ हमें ऐसे मसाइल होते हैं कि कचरा हम डेली बेसिस पर खुद उठा रहे होते हैं, सारी चीजों को साफ करके जा रहे होते हैं, और मैं कई दफा रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ कि प्लीज ये मेरे एतराफ के, दस्तरखाने सुंदर के एतराफ की जो थोड़ी सी, क्योंकि अगर आप ये देखें तो ये नॉर्थ नाजाबाद के एडीए चौरंगी, ये सैफी हॉस्पिटल का वो सर्विस रोड है जहाँ पर पानी, तारीखी बारिशें होती हैं और तारीखी तौर पर जो है यहाँ पानी भरता है, तो हम यहाँ पर रोजाना सफाई करवाते हैं और रोजाना सफाई करने के बाद दस्तरखान लगता है और दस्तरखान के बाद फिर सफाई होती है और वो मेरी फैमिली के खुद के लोग कर रहे होते हैं। तो मैं यहाँ के जो भी हमारे कमिश्नर है, नाजिम है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है, खुदारा प्लीज इतना मेरा साथ दीजिए। सरकारी सतह पर भी अगर मुझे सपोर्ट मिलेगी तो मैं इससे ज्यादा और अच्छे तरीके से जो है वो डिलीवर कर सकती हूँ और सफेदपोश फैमिलीज की हम मदद कर सकते हैं। अगर कोई मुझे कांटेक्ट करना चाहता है तो मैं अपना कांटेक्ट नंबर अभी आपको दे देती हूँ, अब उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो मुझे फेसबुक पर सुंदस खान के नाम से मेरी आईडी है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और यूट्यूब पर सुंदस खान ऑफिशियल के नाम से जो है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह से अभी तकरीबन काफी टाइम से लोग हमें इसी तरह से अप्रोच करें, क्योंकि डेली बेसिस पर अपनी वीडियोज डाल रहे होते हैं और लोग हमसे इसी तरह से जुड़ते जा रहे हैं।